और अब बात करहल की। अखिलेश यादव पहली बार अपना विधानसभा चुनाव इसी सीट से लड़ने जा रहे हैं। ये जगह अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली रही है। अब अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने से यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरह से ये सीट बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गई है। आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने करहल के मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। पांच साल से सन्नाटे को समेटे मैनपुरी की गलियां, चौक चौराहे अचानक से सरगर्म हो गए हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव की दावेदारी पर मुहर लगते ही यहां फिर से वही सियासी करंट दौड़ने लगा है जो पांच साल पहले तक यूपी की सत्ता को रोशन कर रहा था। मैनपुरी के बहुत से मुद्दे हैं जो सामान्यतः सरकारों के काम होते हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। दुर्भाग्य रहा ऐसा कि पांच वर्ष ये सरकार फेल रही। मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, ठीक है, रोड है, और केवल इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है। इसलिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा। महंगाई भी मुद्दा है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, मैं किसानों का भी बहुत बड़ा। कौन सा अच्छा लगता है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ है? कौन सा नेता पसंद है? योगी तो सही है, अपना सही कर रहे हैं। मैनपुरी यादव परिवार के लिए मठ की अहमियत रखता है। अखिलेश के पिता और देश की सियासत के दिग्गज मुलायम सिंह यादव ने इसी मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में यहां पढ़ाया भी। शिक्षा से सियासत का उनका सफर भी यहीं से शुरू हुआ। वो सहायक अध्यापक के पद पर 13/7/1963 में नियुक्ति हुई। उसके बाद फिर उनका प्रमोशन हुआ और 10/10/1974 को यहाँ राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बन गए थे। जब लाभ का दो पद उस समय घोषित रहा तो उस समय 31/5/1984 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद उनके सारे भी पत्रजात आज भी इस विद्यालय ने उनकी विरासत के रूप में संजो करके रखे हैं। जैन इंटर कॉलेज आज भी जस का तस है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र अपने क्षेत्र से अखिलेश की दावेदारी को लेकर जोश में हैं। क्योंकि मुलायम सिंह की राजनीति आज की नहीं है, दशकों पुरानी है, लेकिन आज के नेता अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो ये वो युवा हैं जिनका साथ उन्हें मिलेगा या नहीं, या कितना वो पसंद करते हैं, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम बताओ। मिस्टर आदित्य यादव। आदित्य, बताएं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप पसंद करते हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव के बारे में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? अखिलेश यादव को हम दिल से पसंद करते हैं, वो एक बढ़िया नेता है। सरकार में जो काम किया है उन्होंने युवाओं को ही लेकर के काम किया था, और जो काम करेंगे अब युवाओं को ही लेकर के काम करेंगे। कि ये उनका घर है, ये उनका, यहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या यहाँ से भी उनकी जीत नहीं होगी? करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और सीधे सीधे कहें तो यादवों का गढ़ है। करीब 3.5 लाख मतदाताओं में से यादव वोटरों की तादाद 1,25,000 से ज्यादा है। वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहां अच्छी खासी है। ऐसे में यहां जीत का MY फॉर्मूला ही काम करता है। यही वजह है कि 1957 के बाद से ये सीट दो बार छोड़कर हर बार समाजवादियों की झोली में ही गई। यादव परिवार का पैतृक गांव सैफई करहल से महज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अखिलेश के करहल से दांव लगाने से सैफई के जोश में कोई कमी नहीं है। जीते, अच्छे काम करें, और हम तो सोच रहे हैं कि अखिलेश और सुपान सिंह दोनों जने मिलके लड़े तो अच्छा और ही मजा आए। बतौर से विजयी होंगे नहीं तो अगर इटावा से लड़ जाते तो ज्यादा खुशी होती है। नहीं, वो भी था, उनके भी इटावा में भी स्वागत था। यहाँ से करेल, इटावा है, जसवंत नगर है, उनका यहाँ की गृह जनपद सीट है। क्या नाम है? यूपी में कहीं भी लड़ जाएं वो जीतेंगे, कहीं भी यूपी से, कहीं से भी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गढ़ से आते हैं तो वे केशव मौर्य सिरातू से चुनावी मैदान में है। लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ करहल की सीट का चुनाव करके बीजेपी को जवाब दिया है, बल्कि अपने गढ़ को मजबूत करते हुए अपने दायरे को पश्चिम तक ले जाने का भी काम किया है। सैफई से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।